डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा, हम प्रोनाउन का वन लेक्चर कर चुके हैं, आज हम इसको पूरा करना जा रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन, नाउन के साथ में प्रोनाउन को कोरिलेट किया, उसका क्या रिलेशन है वो बताया, नाउन के पार्ट किए। इसके बाद हमने प्रोनाउन के टाइप्स हैं, पर्सनल प्रोनाउन ये सभी हैं, पोजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन में इन सभी के बारे में हमने फर्स्ट वीडियो में विस्तार से किया है। जब तक आप फर्स्ट वीडियो को ढंग से नहीं देखेंगे, आप सेकंड भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसलिए यदि आपके फर्स्ट वीडियो में अब तक में कोई डाउट है तो आप पहले फर्स्ट वीडियो को देखें, खास करके तो ये एम्प्टी प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, माई सेल्फ है, हिमसेल्फ है, देमसेल्फ है, ये दोनों में काम आते हैं। दोनों में अंतर क्या है आधे मिनट में बताना चाहूंगा, केवल वर्डिंग से ही समझ जाना। जैसे मैं बोलता हूं ही रियून हिमसेल्फ, उसने खुद को बर्बाद कर दिया। इसमें हिमसेल्फ क्या है, ही क्या है, सब्जेक्ट है, रिवर्ड क्या है, वर्ब है, हिमसेल्फ क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो जो हिमसेल्फ है, जो ये एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहे हैं, तो तब तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि उसने बर्बाद खुद को किया है। दूसरा, ही हिमसेल्फ रिवर्ड, उसने खुद ही बर्बाद कर दिया। अब तक सेंस पूरी नहीं हुई है, किसको कर दिया, जिसे मैंने ऐड कर दिया, हिज प्रॉपर्टी, हिज फैमिली, हिज हेल्थ, तो वहां पे ऑब्जेक्ट हिमसेल्फ नहीं है। जो मैंने साथ में वर्ड्स कहे हैं ये है, तो वहां पे ये एम्फेटिक प्रोनाउंस है। और दूसरी बात में यदि आई के साथ तुरंत माई सेल्फ है, ही के बाद ही हिमसेल्फ लिखा हुआ है, दे के बाद ही देम सेल्फ, ये साथ साथ लिखे हुए हैं, तब तो ये सारे एम्फेटिक प्रोनाउन है। अदरवाइज आप ये कहेंगे यदि ये एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो रहे हैं तो ये सभी के सभी रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्शन। ठीक है बेटा, अब ये आगे आता हूं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मतलब संकेतवाचक प्रोनाउन, केवल ये कह करके बताया जा सकता है कि संकेत कैसे करते हैं, ये वो वहां देयर, ये नजदीक की चीज को दिस बोलते हैं, दूर की चीज को दैट बोलते हैं, प्लूरल में वस्तु ज्यादा तो दीज और दूर की दैट है ना, ये दोज है। तो ये किसी वस्तु की तरफ कोई संकेत किया जाए, उसके बारे में बताया जाए, जो ये वर्ड जो हैं वो आपके क्या मतलब, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में कार्य करते हैं। यहाँ पे ये लिखा हुआ है दिस, दैट, दी, दो, सच, वो भी एक संकेत है, सच थिंग्स आर यो, ये इस टाइप के ये कि किसी वस्तु के की तरफ किसी वर्ड से जब संकेत करते हैं उसकी तरफ इंडिकेशन करते हैं तो वो आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। बेटा, आगे का जो टॉपिक है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और रेसिप्रोकल प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है व्यष्टिवाचक हिंदी में, व्यष्टि वर्ड क्या बेटा, समव्यष्टि का उल्टा व्यष्टि है, समान या असमान। और डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है, किसी चीज को बांट देना, उसका विभाजन कर देना, किसी चीज का की व्याख्या करते टाइम में उन दो चीजों के बारे में विभिन्नता या उसके बारे में बंटवारे के रूप में किया जाए। एग्जाम्पल से प्रश्न में आएगा, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव है ईच, आईदर, नाइदर, बताते एग्जाम्पल देखिए। देखो ईच और आईदर में ईच का मतलब क्या होता है, प्रत्येक, आईदर भी दो वस्तुओं में से कोई भी एक या दस वस्तुओं में से कोई भी एक। अब देखिए क्या होता है, ईच ऑफ द टू पेंट्स इज है, देखो यहाँ पेंट्स प्लूरल है, लेकिन ईच का मतलब ही सिंगुलर है, ईच ऑफ द टू पेंट्स इज है, इसका हिंदी है
कि ईच ऑफ द टू पेन्स के दोनों पेनों में से प्रत्येक पेन लाल है, मतलब दोनों ही पेन लाल है। कहा ऐसे ईच ऑफ द टू पेन्स इज रेड, प्रत्येक पेन रेड। देखो यहां पे आइदर ऑफ द टू पेन्स इज रेड, इसका मीनिंग क्या है? आइदर कोई भी। ऊपर वाले लाइन का मीनिंग है कि दोनों ही पेन लाल है, नीचे वाले का मीनिंग यही है कि दोनों पेनों में से कोई एक पेन तो लाल है, इसका मतलब दूसरा लाल नहीं है। और इसमें ये डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया यहाँ दोनों का, पहले दोनों पेन थे फिर दोनों ही लाल बांट दिया, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दोनों में से एक लाल है तो हमने आइदर का यूज किया। अब यहां हो जाए कि नाइदर ऑफ द टू पेन इज रेड, तो दोनों में से कोई भी लाल नहीं है, ये भी एक बंटवारा हुआ। तीन लाइन लिखी है या दो लिखी हुई है, ईच ऑफ द टू पेन इज रेड दोनों ही लाल है, आइदर ऑफ द टू पेन इज रेड दोनों में से एक लाल है, नाइदर ऑफ द टू पेन इज रेड कोई भी लाल नहीं है। ये बेटा आपका कौन सा प्रोनाउन है? ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। इसके बाद बेटा आपका अगला प्रोनाउन आता है कौन सा? देखो यहां पे केवल ईच है, यहां ईच अलग वन है अलग, बेटा इसको सुनने के लिए क्या है, ये प्रोनाउन का नाम हमेशा क्या है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन, मतलब पारस्परिक संबंध, ये दो वस्तुओं के बीच में आपस में क्या रिलेशन है उसको बताता है। हमने पहले कहा ईच ऑफ द टू पेन इज रेड, वहां तो उन्होंने बंटवारा किया है कि दोनों में दोनों ही पेन लाल है, ये भी लाल है क्या? हम ये कह सकते हैं कि ईच ऑफ द टू बॉयज इज ऑनेस्ट, मतलब दोनों ही बच्चे ईमानदार है। अगला आइदर ऑफ द टू बॉयज इज ऑनेस्ट, दोनों में से केवल एक ईमानदार है, वहां पर उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, पहले भी ये डिस्ट्रीब्यूशन है कि दोनों ईमानदार हैं, लेकिन यहां इसके साथ में अदर लगा होता है। अदर का मतलब इसकी लैंग्वेज क्या है, मैं दो बेटर टेंस लिखता हूं, द टू बॉयज हेल्प ईच अदर, ठीक है, के पारस्परिक संबंध है उनके बीच में, दो लड़के आपस में सहायता करते हैं ईच अदर एक दूसरे की, दो बच्चे एक दूसरे की आपस में पारस्परिक आपस में संबंध के बीच में कि वो हेल्प करते हैं टू वन एंड अदर। और एक बात क्या है, ये अब दोनों में आप अंतर को हम अभी जानेंगे, द टू बॉयज हेल्प ईच अदर, दोनों बच्चे एक दूसरे की सहायता करते हैं, ये केवल दो के लिए आता है, ठीक है, कि जब दो वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच का ही पारस्परिक संबंध दिखाया गया हो उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। दोनों बच्चे यदि दो का जिक्र है तो ईच अदर होता है, दो से ज्यादा का है तो ईच अदर की जगह बेटा ये गलत लिखा है हेल्प, बेटा ईच अदर नहीं आएगा, ये आएगा है वन एंड आएगा, वन एंड एक दूसरे वो ऊपर वाला बेटा वैसे ये लिखा गया है वो देखते हुए बेटा ये अंतर होंगे, द टू बॉयज हेल्प ईच अदर, दो का संबंध है तो ईच अदर आता है, दो से ज्यादा का है तो क्या आएगा वन एंड अदर, द ऑल बॉयज हेल्प वन एंड, ठीक है, ये सभी एक दूसरे की सहायता करते हैं, वो आपस में दो से ज्यादा का है तो वन एंड अदर, दो के बीच का है तो ईच अदर, यही बेटा वन एंड अदर और ईच अदर में अंतर आपका यही होता है, ये आपका था रेसिप्रोकल प्रोनाउन। नेक्स्ट है बेटा रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि संबंधवाचक, यहाँ पर बेटा आप देखोगे ये भी दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, इनके एग्जाम्पल आप देखोगे मिलते जुलते हैं, हु हूज हूम विच दैट, बेटा यहाँ पे दैट भी कहेंगे विच हूम हु दैट, ठीक है, और ये भी ऐसे ही है, लेकिन एक तो क्या है रिलेटिव प्रोनाउन है, एक क्या है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। पहले बेटा मैं आपको चाहूँ तो इंटरोगेटिव बताता हूँ, जैसा नाम वैसा ही आप समझ जाओगे पर्सन वाचक प्रोनाउन, मतलब ये इंटरेट मतलब ये इसमें जो ये वर्ड है ये कोई सवाल पूछते हैं जैसे हु आर यू,
है ना, विच इज द रोड टू द स्टेशन, हुज बुक इज दिस, ये किताब किसकी है। तो ये सीधे वाक्य आगे जैसे ये आया मैंने कि हुज बुक इज दिस, इसने क्या किया है, इंटरोगेटिव क्वेश्चन को किया कि ये किताब किसकी है। जब ये वर्ड हु, हुज, हुम, विच, दैट, जब ये वर्ड कोई क्वेश्चन पुट करते हैं तो इसका मतलब यही है कि ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। दैट इंटरोगेटिव प्रोनाउन नहीं है, ये तो केवल क्या है, दैट है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि दैट क्वेश्चन पुट नहीं करता है। ठीक है, अब यही वर्ड जैसे कभी कभी वाक्य को जोड़ने के लिए मैंने एक और लिख दिया आपका यहाँ पर, हु आर यू, तुम कौन हो। एक मैं हु नाम का वर्ड अगले वाक्य में यूज करता हूं, ही इज द बॉय हु स्टोल माय पेन, ये सिंपल है, यह वही लड़का है जिसने मेरा पेन चुराया है। जब ये दो हु स्टोल माय पेन, ही द बॉय, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए यदि हु का यूज किया जाए तब तो ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। किसी पर्सन पूछने के लिए किया जाए तब ये क्या है बेटा, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। जैसे सिंपल हुज बुक इज दिस, ये किताब किसकी है, यहां तो हुज क्या है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। एक वाक्य में बोलता हूं, दिस इज द बॉय हुज फादर इज ए डॉक्टर, ये वही लड़का है जिसका पिताजी एक डॉक्टर है, या हुज ने ये बताया है कि उसका पिता डॉक्टर है, दोनों वाक्यों को जोड़ा गया है। वहां पे हुज क्या है, रिलेटिव है, और इसमें हुज बुक इज दिस, ये क्या बेटा, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। ये बेटा दोनों में अंतर समझने का है, ये जब दो बातों को जोड़ने के लिए यूज किया गया तब तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है, और जब क्वेश्चन पुट किया गया तब ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट बेटा है इनडेफिनेट प्रोनाउन, जैसा बेटा नाम है इनडेफिनेट, मतलब जो चीज है वो डेफिनेट नहीं है, वो फिक्स नहीं है, वो निश्चित नहीं है, और जो निश्चित नहीं है वो क्या है, अनिश्चित है। इसी एज का काम है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जैसे समवन स्टोल माय पेन, किसी ने मेरा पेन चुराया, बेटा निश्चित नहीं है, पेन मोहन ने चुराया, सोहन ने चुराया, राम ने चुराया, गीता ने चुराया, मतलब समवन स्टोल माय पेन, वो चीज निश्चित नहीं है। जैसे ये कह दिया जाए एवरीवन भी है कि एवरीवन ऑफ दी क्लास इज ऑनेस्ट, कि हर लड़का ईमानदार है, तो मैंने निश्चित किसी एक के बारे में नहीं कहा गया है, सबके बारे में कह दिया कि ये सभी बच्चे ईमानदार हैं, तो एवरीवन, समवन, समथिंग, समबॉडी, इस तरह नोबॉडी भी है कि नोबॉडी हैज स्टोलन माय पेन, कि मेरा पेन किसी ने नहीं चुराया है, मतलब अनिश्चित है। ये नहीं कहा मैंने के मोहन ने नहीं चुराया, या सोहन ने नहीं चुराया, या चोरी उसने की है या उसने नहीं की है, या समवन हेल्प मी, मेरी किसी ने सहायता की, मुझे नहीं पता किसी ने किया है, वो अननोन है, उसको हम क्या बोलते हैं, इनडेफिनेट प्रोनाउन, समवन, एवरीवन, समथिंग। बेटा यहाँ लिखा नहीं है, एक प्रोनाउन की टाइप और भी है, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, पार्ट ऑफ स्पीच भी है एक्सक्लेमेशन, जिसमें आश्चर्य, हैरानी, ये कुछ व्यक्त किया गया हो, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, इतना सुंदर फूल है, इसमें व्हाट क्या है, प्रोनाउन है, ये क्वेश्चन पुट नहीं कर रहा है, हैरानी बता रहा है कि व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, इतना सुंदर फूल है, जिसके लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन आता है, इस टाइप के वर्ड आते हैं, वो सभी के सभी एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन होते हैं। ये बेटा आपका प्रोनाउन के बारे में था, जो हमने थोड़ा आप कोशिश की है कि डीप में जा करके कम से कम आपको ये कहूँ बेटा सब कौन सा प्रोनाउन था, क्या बताएंगे कि डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, मैंने बोलते बेटा वन एनदर क्या है, आप क्या कहेंगे, रेसिप्रोकल है। ठीक है, ये आइदर क्या है, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव है,
इस वीडियो को बार बार देखिए और इसको समझिए। वैसे भी आज इसी वीडियो के लिए आपको किसी और सब्जेक्ट का काम दिया ही नहीं है, वो इसलिए नहीं दिया ताकि आप अपना पूरा ध्यान इस पर लगा सके। एक बात का ध्यान रखें, इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। उससे क्या बेनिफिट है कि फ्यूचर में भी यदि कोई वीडियो मैं बनाता हूँ और मैं उसको मेरे चैनल पर डाल देता हूँ तो यदि आपके ग्रुप में भी वो नहीं आएगा तब भी वो वीडियो आपके पास आ जाएगा। इसलिए आप सभी से ये रिक्वेस्ट है और ये सलाह भी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरे साल में इसी तरह के जो इंग्लिश बेसिक बनाने के आपके स्पीच हैं, जो लेक्चर्स हैं, मैं वो डालता रहूँगा, ग्रुप में डालता रहूँगा और आपके पास भी आते रहेंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसको समझें। थैंक यू।